अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको टाइटल से देख के पता चल गया होगा कि आज हम कौन सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, तो हम आज शवरमा की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। तो चूँकि लॉकडाउन है तो मैंने सोचा हम घर में ही शवरमा बना के खा लें, और मैं अपने फ्रेंड्स को भी इसका तरीका बता देती हूँ कि किस तरह से शवरमा घर में बआसानी बनाया जा सकता है। शवरमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1/2 kg चिकन लिया है बोनलेस, और मैंने इसको खुद छोटे छोटे पीसेस में जो है वो काट लिया है। और इसको चिकन को मैरिनेट करने के लिए हमें चाहिए सब स्पाइसेस में सबसे पहले धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर मिक्स है। उसके बाद हमें चाहिए रेड पाउडर, चिली पाउडर सॉरी, और ये है चिकन टिक्का मसाला। अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। गार्लिक और अदरक का पेस्ट है यहाँ पर, और नमक है यहाँ पर 1 स्पून। चलें जी, अब हम सारे स्पाइसेस जो हैं वो अपने चिकन के अंदर ऐड कर लेते हैं और इनको मैरिनेट कर लेते हैं। जी हम इसको अच्छे तरह से पूरी स्पाइसेस को अपने चिकन के अंदर मिक्स कर लेंगे। जी तो ये हमारी सारी स्पाइसेस जो हैं वो चिकन के अंदर मिक्स हो चुकी हैं। इसके बाद इसके अंदर हम अपनी सॉसेज ऐड करेंगे। जी तो हमें यहाँ पे सबसे पहले चाहिए वाइट विनीगर, ये हम तकरीबन 1 चम्मच के करीब डालेंगे इसमें। उसके बाद हम ऐड करेंगे सोया सॉस, ये तकरीबन हम 1/2 चम्मच, और 1 चम्मच के करीब हम यहाँ चिली सॉस ऐड करेंगे। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन सब चीज़ों को मैरिनेट करके हम 1 घंटे के लिए जो है वो ढक के फ्रिज में रख देंगे। चलिए जी, अब जब तक हमारा चिकन मैरिनेट होता है हम अपने शवरमे की डो तैयार कर लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे अपने शवरमे की डो तैयार करने लगे हैं। डो तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए मैदा। मैंने यहाँ 2 कप मैदा लिया है। उसके अंदर हम 1 चम्मच भर के यीस्ट का ऐड करेंगे, 1 चम्मच फुल भर के हम चीनी का ऐड करेंगे, और 1 चम्मच ही हम यहाँ पे नमक का ऐड करेंगे। इन चीज़ों को जो है वो ड्राई जो चीज़ें हैं सारी, इनको पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, या हम हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं ताकि पूरे मैदे के अंदर पूरी चीज़ें जो है वो मिक्स हो जाए, गुठलियाँ ना बने किसी चीज़ की। चलो जी, और 2 चम्मच हम यहाँ ऑयल के ऐड कर लेंगे। ये 2 चम्मच हमने ऑयल के ऐड कर लिए हैं, और हम इस डो को तैयार करने के लिए नीम गर्म पानी यूज़ करें। पहले ऑयल को हम हल्का सा इस तरह से मैदे में मिक्स कर लेंगे, और अब हम अपनी डो तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करते जाएंगे। पानी हल्का नीम गर्म होना चाहिए, आपका हाथ ना जले। चले, अब मैं इसी को इस तरह हल्के हल्के पानी डालती जाऊंगी और इसको गूंदती जाऊंगी अपने हथेलियों की मदद से। हम इसको हल्के हल्के पानी डाल के हथेलियों की मदद से गूंदते जाएंगे। चलिए, अब मैं पूरी आपको डो गूंद के फिर उसके बाद दिखाती हूँ। जी तो अब हम इसको इस तरह से गूंद चुके हैं, और हमने अपनी डो को सॉफ्ट रखना है, हार्ड नहीं रखना। और इसको अभी हम थोड़ा और गूंदेंगे हल्का हल्का पानी लगा के, फिर इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में बंद करके 1 घंटे के लिए हम इसको राइस होने के लिए रख देंगे। डो हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसको एक एयर टाइट कंटेनर में डाल के
और 1 घंटे के लिए इसको राइज होने के लिए बाहर रख देंगे। चले जी मिलते हैं 1 घंटे के बाद। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब हमने एक पैन में हल्का सा ऑयल लगा के उसको गर्म कर लिया है। अब हम अपना ये चिकन जो है वो उसके अंदर डाल देंगे, साथ फ्राई करेंगे, अच्छे तरीके से पका लेंगे। अब हम इसको हल्के हल्के हला देंगे और आंच बिल्कुल धीमी रखनी है, ये खुद ही ऐसा ऐसा पक जाएगा। यहाँ पे ये चिकन हल्का हल्का जो है वो तैयार होना शुरू हो गया, खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही है। तो ये ऑलमोस्ट 10 मिनट में हमारा जो है वो चिकन रेडी हो जाएगा। तो चलिए जब तक चिकन रेडी होता है तो तब तक हम अपने डो जो है वो देख लेते हैं कि किस तरह की तैयार हो चुकी है। जी फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी डो राइस हो चुकी है और बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देख लीजिए इस तरह से डो तैयार हो गई है। अब हम शवारमे की जो है वो पट्टी बना लेते हैं इससे। फ्रेंड्स यहाँ पे चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको उतार लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। और यहाँ पे हमने जो अपनी डो तैयार की हुई थी उसके मैंने छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब इन पेड़ों को हम बेलन की मदद से बेलेंगे और अपनी शवारमा की जो है वो रोटी तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे सैलड में हम खीरे काट चुके हैं। खीरे की शेप जो है वो इस तरह से लंबी रखी है और हम पूरा इस तरह शवारमे के अंदर इसको रख देंगे। और थोड़ी सी प्याज काट ली है। आप इसमें बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं। हमारे घर में बंद गोभी कोई भी नहीं खाता तो इसलिए मैंने बंद गोभी ऐड नहीं की। चले अब हम इनको बेल लेते हैं और अपनी जो है वो ब्रेड तैयार करते हैं। यहाँ पे हमने अपना तवा जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने थोड़ा सा मैदा जो है वो स्प्रिंकल कर लिया था। अब हम अपनी डो को बेल लेंगे। इसको ज़्यादा पतला नहीं रखना हमने। मैं आपको बेल के दिखा देती हूँ कि इसको कितना हमने मोटा रखना है। फ्रेंड्स देख लें नॉर्मल सा हमने ना इसको ज़्यादा मोटा करना है और ना ही इसको ज़्यादा पतला करना है। अब हम इसको तवे पे डालते हैं। तवा हमारा बिल्कुल गर्म है यहाँ पे। फ्रेंड्स अब हम इसको पलटने की बारी है। आप इसको थोड़ा सा नीचे से देख लें, ये इस तरह से पक चुकी है। अब हम इसकी दूसरी साइड पकने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। ये आप देख लें इस तरह से ये जो इसकी फ्रंट साइड है वो तैयार हो चुकी है। अब इसको दूसरी साइड पे रख देते हैं हल्का सा, फिर उसके बाद हम इसको उतार लेंगे। फ्रेंड्स ये एक और ब्रेड मैं आपको तैयार करके दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स ये आप देख रहे हैं इस तरह से इसके ऊपर बबल्स से बन रहे हैं। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड भी 5 मिनट जो है वो पकने के लिए उसे देंगे। फ्रेंड्स यहाँ हमने इसकी साइड चेंज कर ली है। ये आप देख सकते हैं हमारी जो ब्रेड है शवारमा की वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसको उतार लेंगे। अब मैं इसी तरह से सारी जो शवारमा की ब्रेड्स हैं वो तैयार करने के बाद मैं आपको फिर दिखाती हूँ कि हम शवारमा की जो है वो किस तरह तैयार करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम जो है अपना शवारमा रेडी करने लगे हैं। सबसे पहले हम शवारमा सॉस लगाएंगे। ये भी मैंने खुद घर पे रेडी किया है। आप अपने अकॉर्डिंग लगाएं, आपने स्पाइसी खाना है, नॉर्मल खाना है, जिस तरह भी। शवारमा सॉस अप्लाई कर चुके हैं
और अगर शॉर्मा सॉस की रेसिपी किसी को चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अब मैं मायोनीज लगाऊंगी। मायोनीज को भी मैंने खुद घर में रेडी किया है, इसका भी जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिए किस तरीके से हम जो है अपनी मायोनीज तैयार करते हैं, बहुत ही इजी वे में तैयार हो जाती है। अब हम क्या लगाते हैं इसमें, जितना आपको पसंद है आप उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। ज़्यादा चिकन वाला पसंद है तो ज़्यादा चिकन लगाएं। फिर ऊपर हमने प्याज गार्निश कर दिया है और साथ ही हम एक कटा हुआ क्यूकम्बर रख देंगे। और यहाँ मैंने फ्रेश मिंट लीव्स लिए हैं, फ्रेश मिंट लीव्स हम इसके ऊपर रख देंगे। अब हम इसके ऊपर केचप लगाएंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। हल्की सी मायनीस। अच्छा जी, अब हम इसको इस तरीके से पैक करेंगे। अब मैं आपको इसको पैक करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से हमारा शवारमा जो है वो रेडी हो चुका है। या तो आप रैप करके खा लें, आपने घर में खाना है तो आप इसी तरीके से भी इसको उठा के खा सकते हैं। काइंडली मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरी रेसिपी को, अगर कोई ट्राई कर रहा है तो कैसी बनेगी रेसिपी ये बताइएगा मुझे ज़रूर। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होममेड शवारमा बिल्कुल रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।